हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे मूंगलेट। मूंगलेट बनाने के लिए हमने लिया है एक कप धुली हुई मूंग दाल। इसे हम अच्छी तरह से धोकर एक घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। हमें दाल को भिगोए हुए एक घंटा हो गया है। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे हल्दी और 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे चावल का आटा। और इन सबको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे हम 1-2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च। सबको हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे हमारा आधा पाव चीनी और इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा पानी इसे एक्टिवेट करने के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने ये एक पैन ले लिया है, इसे गरम कर लिया और इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑयल या देसी घी। अब हम अपना बैटर इसमें डाल के इसे फैला देंगे। अब हम ढककर इसे 2-4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम अपने मूंगलेट को पलट देंगे। और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। अब हम सेंटर में थोड़ा सा कट लगाकर थोड़ा सा घी ताकि हमारा मूंगलेट अच्छी तरह से पक जाए और इसे हम लो गैस पे सिकने देंगे। हमारा मूंगलेट अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, अपना गैस बंद कर देंगे। हमारा मूंगलेट बनके तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।